हेलो वन, नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसको मार्क कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस एक्सरसाइज का बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। क्या बोला है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। मेरे पास क्या है, इसने बोला है कि एक ट्री है मेरे पास लाइक दिस, ठीक है। और ये क्या हुआ, ब्रिक्स ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म के कारण क्या हो गया, टूट गया ये, ठीक है। मतलब यहां से टूटा, ये ऐसे होगा तो ये टूट के ऐसे गिर गया, ठीक है। एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच इज द ग्राउंड। जो टॉप पार्ट था वो ऐसे बैंड हुआ कि जो टॉप पार्ट है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। टच इज द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। यानी ये पार्ट जो है ये टच कर रहा है, ये ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, क्या बोला कि ट्री है मेरे पास, वो क्या हुआ, स्टॉर्म के कारण टूट गया, ठीक है। और टूटेगा तो मतलब ये पूरा था तो टूटेगा तो ऐसे गिरेगा, तो ये ऐसे गिरा, ठीक है। कैसे गिरा, इसका जो ये टॉप है ये क्या कर रहा है, ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। और ग्राउंड के साथ ये क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर उसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। इसने क्या बोला, ये जो ट्री है इसकी फुट, मतलब इसकी जो जड़ें हैं, नीचे जो है, नीचे वाला पार्ट जस्ट ग्राउंड के ऊपर जो है, ये वाला पार्ट और जहां इसका टॉप टच कर रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। तो उसने फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे क्या करना है, उस ट्री की हाइट बतानी है। तो डायग्राम बन गया मेरा, ठीक है। लेट मी इसको बोलता हूँ, दिस इज ए, दिस बी एंड दिस इज सी। बोला है ट्री की हाइट क्या होगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ए बी निकाल देंगे, बोल देंगे ट्री की हाइट जो ए बी की वैल्यू होगी वो होगी। ट्री की हाइट कितनी है, ये पूरी है। ये पूरी मतलब क्या है, ए बी तो था ही और ये ऊपर वाला कहाँ गिरा, नीचे गिरा। इसका मतलब ए बी प्लस ए सी ये पूरा जो है वो मेरे क्या है, ट्री की हाइट है। इसके उसमें बस यही बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। इसका मतलब मुझे ए बी भी निकालनी पड़ेगी और ए सी भी निकालनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना बस इसमें, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल सा है। क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। आपके पास है इन ट्रायंगल एबीसी, कर लेता हूं मैं। मेरे पास बीसी जो है वो गिवन है 8 मीटर, एंगल सी जो है वो कितना है, 30 डिग्री। मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मुझे ए बी फाइंड करना है और ए सी, दोनों चीजें फाइंड करनी है, ए बी भी और ए सी भी, ठीक है। तो इसको निकालने का मैंने फर्स्ट किस्म में आपको तरीका बताया, क्या करोगे, कोई भी एक चीज, मान लो फर्स्ट में ए बी निकाल रहा हूं, तो एक साइड क्या ले लो जो आपको निकालनी है, डिवाइडेड बाय दूसरी क्या होगी जो आपको गिवन है, ए सी से मुझे निकालनी है, नहीं गिवन है, क्या गिवन है, बी सी, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बी सी। अब ए बी डिवाइड बाय बी सी क्या होगा, ए बी डिवाइड बाय बी सी, इस से अगर मैं देखूं, मेरे पास एंगल है ये वाला गिवन, ठीक है। इस एंगल के हिसाब से इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसके साथ क्या होता है, बेस, ठीक है। तो ए बी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, नीचे क्या है, बेस, यानी ये क्या बन रहा है, पी डिवाइड बाय बी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या होता है मेरा, दिस इज योर टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या है यहां पे, 30 डिग्री, या मैं लिख देता हूं टेंजेंट सी एक बार के लिए, क्योंकि मैंने कौन सा लिया है, ये वाला टेंजेंट सी, ठीक है। ये याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी सबसे पहले, जब हमने एक्सरसाइज 8 स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, वहां मैंने इसको याद करने का तरीका भी आपको बताया था, ठीक है। किसी ने नहीं देखा, देख लो, आई थिंक बाकी बहुत सिंपल है, अगर आपने 8th एक्सरसाइज कर ली है तो आपको अभी तक याद हो भी गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट ए बी मुझे निकालना है, इसको मैं एज इट इज रखता हूं, डिवाइड बाय बी सी कितना है आपका, दिस इज 8, होल इज इक्वल टू टेंजेंट सी, मतलब टेंजेंट सी कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। ए बी एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू, अब मुझे पता होना टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, क्या होता है, 1/√3, ठीक है, क्या होता है, 1/√3। 8 को उधर ले जाओ तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। अब देखो जनरली हमें क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका अभी मेरा आंसर नहीं आया, मुझे ए सी भी निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज ही रखता हूँ, ठीक है,
हो सकता है मुझे फर्दर इसकी जरूरत ही ना पड़े रैशनलाइजेशन करने की, ठीक है। अगर करनी पड़ी तो अभी कर रहे हैं, वो बाद में भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसको मैंने छोड़ दिया एज इट इज। अब क्या आ गया ए बी। अब मुझे चाहिए ए सी, ये वाली साइड मुझे निकालनी है। अब मेरे पास ये दोनों है, तो जिस जो वाली दिल करे वो ले लो, ठीक है। अब देखो, एक तो मुझे ए सी निकालनी है, पहले मैं लिख लेता हूँ ए सी डिवाइडेड बाय। अब ए बी, ए बी क्या है, देखो रूट में टर्म है, तो बेटर रहेगा बिना रूट वाली ले लो, तो मैं ले लेता हूँ बी सी, तो डिवाइडेड बाय बी सी। अब इस एंगल के लिए ए सी क्या है, ए सी तो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा क्योंकि ये 90 के सामने है, तो दिस इज हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय ये क्या है बेस। तो हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस क्या होता है, मुझे पता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस जो होता है वो होता है कॉस थीटा। तो हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस क्या हो जाएगा, यानी उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सीकेंट थीटा, क्या होगा सीकेंट थीटा। आप चाहो तो इसको उल्टा करके भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। तो अब कॉस थीटा लिखना है तो बी सी बाय ए सी कर दो इसको, तो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर दिस इज इक्वल टू सीकेंट सी, जो जो वैल्यूज है पुट कर दो। फर्स्ट ए सी मुझे निकालना है डिवाइड बाय बी सी, दिस इज 8 और सीकेंट 30 डिग्री। अब सीकेंट 30 क्या होता है, तो हम चलते हैं कॉस 30 पे, कॉस 30 मुझे पता है, कॉस 30 क्या होता है, वो होता है रूट 3 बाय 2, ये तो हमें याद है। सीकेंट 30 की वैल्यू हम कम यूज करते हैं तो शायद हमें याद कम हो, लेकिन कॉस 30 अगर पता है तो ये क्या होगा इसका उल्टा, यानी क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 3, क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 3, पुट कर दो। ए सी डिवाइड बाय 8 तो एज इट इज इक्वल टू दिस इज 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 हो गया। इसको इधर ले जाओ तो ए सी क्या हो जाएगा, दिस इज 2 डिवाइड बाय रूट 3 इन टू, अभी 8 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है, 8 टू जा 16 डिवाइड बाय रूट 3 मीटर, ये क्या आ गया मेरा ए सी। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए टोटल ट्री की हाइट क्या होगी, तो मैं लिखूंगा टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, देखो ए बी और प्लस ए सी दोनों को जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा, पूरा ट्री मिल जाएगा मुझे, ये था ये वाला जो ऊपर से गिरा था, ठीक है, तो क्या होगा दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, वैल्यूज पुट कर दो। ए बी कितना है आपका, ए बी है 8 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस में ए सी कितना है, दिस इज 16 डिवाइड बाय रूट 3, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो ये हमने चीजें सीखी हुई छोटी क्लासेस में, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमिनेटर को डायरेक्टली ऐड कर दो, तो 8 प्लस 16 क्या होगा 24 डिवाइड बाय रूट 3 मेरा एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहां रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आप अगर नीचे छोड़ दिया तो आपका एक मार्क्स गया, क्यों, यहां मैंने रैशनलाइज नहीं किया, यहां मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा फाइनल आंसर अभी तक नहीं आया था, मैंने दोनों को ऐड किया, ये मेरा फाइनल आंसर है, तो इसको मुझे रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहां क्यों नहीं करने दिया, देखो यहां मैं पहले रैशनलाइज करता, फिर मैं यहां रैशनलाइज करता, ठीक है, फिर मैं जो फाइनल आंसर आता यहां नहीं करना पड़ता, यानी मुझे यहां पे करना पड़ता दो बार, यहां पे मुझे कितना करना पड़ेगा सिर्फ एक बार, ठीक है। तो आई थिंक बेटर रहेगा कि आप कम काम करो, कम काम करोगे तो उतनी ही कम गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो रूट थ्री से रैशनलाइज करेंगे तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई, रूट थ्री से डिवाइड, ऊपर तो 24 इंटू रूट थ्री, तो 24 रूट थ्री हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डिवाइड बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है, दिस इज 3, ये तो हमें पता है, तो 31 जा 3, 38 जा 24, तो दिस इज 8 रूट 3 मीटर, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, 8 रूट 3 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में गिवन होती है वैल्यू रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 लेना है मुझे, कई बार 1.7 दे देगा या 1.73, वो उसकी मर्जी है जो भी दे, अगर आपको वैल्यू गिवन हो तो आपको रूट 3 की वैल्यू पुट करके भी बताना है, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो आपकी मर्जी है, आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो, आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है फिर। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि रूट 3 इक्वल टू ये है, तो आपको वैल्यू पुट करके दिखाना ही पड़ेगा,
ठीक है, आप नहीं दिखाते हो तो फिर मार्क्स कटेंगे, ठीक है। नहीं गिवन है उस कंडीशन में आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.1, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से करें। अभी के लिए थैंक यू।